डो, सात दिन है तुम्हारे पास। आठवें दिन की पहली किरण, यूनिट, तारक, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। सेना की भर्ती फिलहाल अभी यहाँ पर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, जो कि 14 और 15 तारीख को भारत माता की भारत माता की। कमांडो, सात दिन है तुम्हारे पास। आठवें दिन की पहली किरण, यूनिट, तारक, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। धोखे से वार किया कुत्ते की औलाद ने, यही लिखा है क्या साले तेरे जिहाद में। वक्त ना खराब करो वाद और विवाद में, अभी होगा बदलाव बाकी बातें बाद में। जाग जाग इंडिया तू अब तो दहाड़ दे, ठोक दे गद्दारों को धरती में गाड़ दे, फेफड़ों में हाथ दे के नोच के उखाड़। I'm gonna make it.
पागल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू कर दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और आपका अपने YouTube चैनल अमौली फ्रेंड्स क्लब में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम अमौली के बलदेवगिर मैदान में हैं और यहाँ पर अभी फतेहपुर ज़िले में सेना की भर्ती होने जा रही है, जिसकी तैयारियाँ जोर से जो बहुत तेज़ी से चल रही है। और हमारे एरिया पे कुछ ऐसे यहाँ पे लोग हैं, जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ के जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और देश में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। तो उन सबको किस तरीके से ट्रेनिंग पे भाग लेना है, कैसे दौड़ में भाग लेना है, इन सारी बातों की जो गूढ़ रहस्य होते हैं, उन सबको बताने के लिए यहाँ पर एक ट्रेनर हैं। और वो ट्रेनर ही नहीं, हमारे देश के सैनिक भी हैं और अपने क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेना में ले जाना चाहते हैं, तो उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है? मैं योगेंद्र सिंह, इंडियन आर्मी में और पीटी इंस्ट्रक्टर भी हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ये योगेंद्र जी हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी में पीटी इंस्ट्रक्टर और योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो सर, जो सेना की भर्ती होनी है, किस तारीख को होनी है, इसके बारे में कुछ बताइए। सेना की भर्ती फिलहाल अभी यहाँ पर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, जो कि 14 और 15 तारीख को लड़कों के कॉल लेटर आ गए हैं। जी जी। तो उसी के बारे में, हमारे इधर कोई एकेडमी वगैरह नहीं है। जी जी। इसलिए इधर बच्चे पिछड़ा क्षेत्र है काफ़ी, तो इधर बच्चों के लिए एकेडमी है नहीं, कोई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी नहीं है। तो मैं हाल ही में छुट्टी में आया था। जी जी। तो मैंने सोचा इनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दिया जाए, ताकि ये थोड़ा अपना बेटर परफॉर्मेंस कर सके और आगे मतलब जॉब कर सके। जी, फतेहपुर ज़िले में जैसे कि 15 तारीख को यहाँ पर भर्ती लगी हुई, और अपने क्षेत्र में जो फतेहपुर ज़िला है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गरीब घरों से हैं, जो उन ट्रेनिंग, जो हमारे दूर दराज में कानपुर जैसी जगह पे, लखनऊ पे ट्रेनिंग एकेडमी, वहाँ पर नहीं जा सकते, उन सबको ट्रेनिंग देने का एक बहुत ही बड़ा काम योगेंद्र जी कर रहे हैं। तो योगेंद्र जी, जो ये आपकी भर्ती होने वाली है, उस भर्ती में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। भर्ती में फर्स्टली क्या होता है, 16 मीटर रनिंग होती है, 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम होता है उसमें। एक्सीलेंट। उसमें अभी तो फिलहाल दो ही ग्रुप कर दिए गए, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। और इसके बाद क्या अपना फिजिकल का क्या चिनअप होता है, 10 चिनअप एक्सीलेंट का टाइम है, एक्सीलेंट है 10 चिनअप 8-6 वैसे गुड सेट का होता है। और इसके बाद चेस्ट हाइट वेट, और इसके बाद रिटर्न। योगेंद्र जी, जैसा हम देख पा रहे थे, हम बहुत देर से देख रहे थे कि आप सबके साथ में, जितने भी यहाँ पे बच्चे दौड़ में भाग ले रहे हैं, सबके साथ आप दौड़ रहे हैं, उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, और साथ में अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा दंड भी दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये आपका जो प्रयास है, बहुत ही सराहनीय है। लगभग आपके पास यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं? मैं चाहूँगा आप सभी लोग पीछे आ जाइए सर के। सर यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, इसके बारे में बताएं। इधर 40 से 50 बच्चे आते हैं डेली, और जो मेरा दौड़ने का काम है, जब तक इंस्ट्रक्टर पसीना नहीं निकालेगा तो जो सीखने वाले, तो कैसे पसीना निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या अमौली से ही बच्चे हैं या अमौली के आसपास से और जगहों से भी बच्चे आते हैं? अमौली ब्लॉक के काफी लड़के आ रहे हैं, अमौली ब्लॉक से जो बिलोंग करते हैं काफी लड़के आ रहे हैं। बरीपाल के भी आ रहे हैं जी, बरीपाल से, बरीपाल जो कि कानपुर जिले में पड़ता है, और फतेहपुर से, अगर फतेहपुर के कई जिलों, अस्थाना है जो कानपुर जिले में पड़ता है, वहाँ से भी बच्चे सर के पास सीखने आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर तरीके से, ये पीटी इंस्ट्रक्टर भी हैं सेना पे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं। सर अगर आपके सिखाए हुए बच्चे
सिलेक्ट हो जाते हैं सेना में, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा फील होगा जी, जी। एक बिंदास पार्टी बनेगी इधर। अभी जो आपके जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ एक ऐसे होंगे जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर पा रहे होंगे, तो अगर उनका नाम लें कुछ उनसे हम बात करना चाहेंगे। अपना वो कहाँ है, लेखराम है, दिलीप है, ये है, और कौन है, चौबे है अपना। जी जी लेखराम जी कहाँ से हैं आप? जाओपुर से। जी जाओपुर से हैं, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं जैसा कि हम देख भी पा रहे थे। तो सेना में जाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, कि मतलब आप सेना में क्यों जाना चाह रहे हैं? सबसे अच्छी हमारी वही है जी, देश की भक्ति जी, देश की रक्षा के लिए। तो एक बार सब लोग भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हम सबको ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे कि जितने लोग भी हैं यहाँ से और उस भर्ती में सारे के सारे लोग सिलेक्ट हों और अपने फतेहपुर जिले का नाम रोशन करें और सेना पे जाकर के एक वर्चस्व कायम करें और अपनी देश की सेवा में आगे बढ़ करके आए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नमस्कार। Yeah!